हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे पास जो थ्योरम है वो है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आ एलपीपी इज कॉन्वेक्स। ये हमारे पास थ्योरम है, इसको हम प्रूव करना है। फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एलपीपी माननी होगी। एलपीपी को हम मान लेते हैं मैक्स जेड बराबर सी टी एक्स एंड ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, ये हमने एक एलपीपी मान ली। इसके बाद नाउ अब हम मान रहे हैं कि अगर जो फेजिबल रीजन जो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है। नाउ इफ इट हैव नॉट एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर फ्रेंड्स इसके पास कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, देन एस इक्वल टू फाइव होगा, एक्स में कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास ट्रेबल ही हो जाएगा। ये हमारे पास क्योंकि कोई भी जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास हमेशा कॉन्वेक्स होता है। अब नाउ सेकंड केस आता है। नाउ लेट इट हैज ओनली वन पॉइंट, जो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें केवल एक ही पॉइंट है, या एक्स वन ओनली पॉइंट है। तो फिर से एक्स वन जो ओनली पॉइंट है उसको हम एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स वन बराबर लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स वन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वन इक्वल टू एक्स वन आ जाएगा। इसके बाद इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये हो गया, अपने पास कॉन्वेक्स हो गया। अब हमारे पास थर्ड केस आता है। नाउ लेट एस हैव फाइनाइटली मैनी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, फ्रेंड्स मैंने ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इसलिए लिखा है, अगर अगर इसमें कोई दो पॉइंट होंगे तो दो पॉइंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, जो कि उस लाइन पे जो जैसे एक्स वन और एक्स टू पे दो पॉइंट होंगे, ये अगर लीनियर ये दोनों पॉइंट अगर इसके इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पॉइंट है, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे वो भी इसके ऑप्टिमल पॉइंट होंगे। तो इस तरह से इसके इनफाइनाइट होंगे, या तो इसके इससे हमारे पास एक बात ये पता चलती है कि अगर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो उसका जीरो होगा या वन होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके जो ऑप्टिमल पॉइंट है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के जो भी पॉइंट है वो दो हो तीन हो, नहीं, फाइनाइट में नहीं होंगे। फाइनाइट में या तो जीरो होंगे या वन होगा, इसके बाद डायरेक्ट इनफाइनाइट होंगे। हमने इसके मान ली कि इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। ये हमने मान लिया लेट एक्स आई एंड एक्स जे आर टू पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि एक्स आई एंड एक्स जे जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के दो पॉइंट है, तो हमें शो करना है कि एक्स आई एंड एक्स जे को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक्स आई लेमडा एक्स आई प्लस वन माइनस लेमडा एक्स जे, ये इस तरह से ये भी बिलोंग्स टू एस में करेगा, हमें ये शो करना है। अगर ये हम शो कर देते तो हम कह देंगे कि ये जो सेट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कॉन्वेक्स होगा, अगर हम ये शो कर देते हैं। और ये लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स से क्या शो करता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो इसको हम एक्स थ्री मान लेते हैं। एक्स थ्री कोई वेरिएबल है जो कि एक्स थ्री की वैल्यू लेमड़ा के अकॉर्डिंग चेंज हो होती है। जैसे एक्स आई यहाँ पर है, सॉरी एक्स आई एक्स जे या एक्स वन एक्स जीरो मान लेते हैं, एक्स आई यहाँ पर है और एक्स एक्स जे यहाँ पर है, तो ये एक्स जीरो पॉइंट वैल्यू लेमड़ा की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेमड़ा को जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट इस तरह से हम चेंज करते जाते हैं, तो वो इस तरह से आती जाती है। इस लाइन सेगमेंट को शो करता है, ये एक्स की वैल्यू जो होंगी इस लाइन पे होंगी। अब हमें शो करना है ये एक्स जो होगा ये हमेशा जो एक्स में जो एक्स के जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे, एक्स के जो भी मान होंगे वो हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होंगे। अब इसको शो करने के लिए फ्रेंड्स दोनों तरफ हमने सी टी एक्स ये जो कि मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई कर लिया। सी टी एक्स जीरो इक्वल टू लेमड़ा
सी टी एक्स आई प्लस वन माइनस लेमड़ा सी टी एक्स जे। फिर से यहाँ पे हमने लेमड़ा को बाहर इसलिए लिख दिया है क्योंकि लेमड़ा एक कांस्टेंट है, लेमड़ा एक कांस्टेंट है, तो इसको हम सी टी एक्स आई और सी टी एक्स जे, सी टी एक्स जे क्या है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ एम है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ जेड इस दोनों पे आ रही है, एक्स एक्स आई एंड एक्स जे इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो दोनों पे मैक्सिमम ऑफ जेड आएगा, तो ये लेमड़ा मैक्सिमम ऑफ जेड प्लस वन माइनस लेमड़ा मैक्सिमम ऑफ जेड, या लेमड़ा प्लस वन माइनस लेमड़ा मैक्सिमम ऑफ जेड, इसकी इसकी वैल्यू क्या जाएगी वन, तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ जेड। तो हमने फ्रेंड्स यह प्रूव कर दिया मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर सी टी एक्स जीरो। फिर इससे ये हमने यहाँ शो कर दिया कि जो एक्स जीरो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के, जो भी पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे, जो भी पॉइंट होंगे एक्स यहाँ पे, जो भी पॉइंट होंगे इधर, उन सभी पे अपनी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और हमें यही शो करना था। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो कॉन्वेक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।